पूर्व मंत्री सह वर्तमान पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने राज्य के मनरेगा आयुक्त को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सभी जिलों में मनरेगा के तहत किए जा रहे पौधारोपण कार्य में पौधों और जैविक खादों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों की सूची मांगी है। उन्होंने मनरेगा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि जिले में किन किन एजेंसियों द्वारा पौधों और जैविक खाद की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि किसे जिले में कितनी संख्या पौधे और जैविक खाद की आपूर्ति कितनी मात्रा में आवंटन और किस दर पे वितरित किया जा रहा है तथा जिलेवार कितने पौधे वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य स्तर पर किए गए पौधारोपण कार्य की सूची, नाम और पता समेत पूर्ण जानकारी देने की मांग की है। गोड्डा में समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में उपायुक्त महोदय गोड्डा भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक गोड्डा वाईएस रमेश के द्वारा संयुक्त रूप से मुहर्रम एवं कर्मा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में महोदय के द्वारा जिले में मुहर्रम एवं कर्मा पर्व मनाने को लेकर पूर्व संध्या पर गोड्डा जिले वासियों को शुभकामनाएं दी गई। महोदय के द्वारा मुहर्रम एवं कर्मा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु जिले के वरीय अधिकारियों एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि मुहर्रम पर्व के अलावे हिंदू और जनजातीय समुदाय का प्रमुख पर्व कर्मा दिनांक 29 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए विधि व्यवस्था संधारण के लिए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, ताकि दोनों पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके। समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग के समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। महोदय के द्वारा बैठक में अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा, भूअर्जन पदाधिकारी अधिकारियों को एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लगान वसूली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ग्राम प्रधान नीलाम पत्रवाद संबंधित विषयों पर विशेष ध्यान दिए जाएं। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर आज दिनांक 28 अगस्त 2020 को माननीय मुख्य सचिव झारखंड सरकार सुखदेव सिंह द्वारा राज्य के सभी जिले के उपायुक्तों के साथ रांची से वीडियो संवाद का आयोजन किया गया। उक्त वीडियो संवाद में गोड्डा जिले से उपायुक्त महोदय गोड्डा भोर सिंह यादव ने भाग लिया। इस बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम, बचाव एवं उपचार हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क का प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने अति आवश्यक है। उक्त हेतु माननीय मुख्य सचिव झारखंड सरकार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इसका नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा के सभागार में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों के जीविकोपार्जन हेतु दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उच्च मानक सब्जी उत्पादन तकनीक विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। सभी प्रवासी श्रमिकों को फेस मास्क देकर सामाजिक दूरी के नियमानुसार सभागार में बैठाया गया। उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार चौरसिया ने सभी प्रवासी श्रमिकों को कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र का भ्रमण कराया। भ्रमण के दौरान अमरूद का सघन बाग, कसावा, सहजन, सुबुल, लेमन घास, टमाटर, बैंगन की तैयारी नर्सरी को दिखाया गया। साहिबगंज राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने साहिबगंज परिसदन में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। आलमगीर आलम ने जिले में कोरोना की लड़ाई में जिला प्रशासन के कार्य की तारीफ करते हुए कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण के आए सभी मामलों में जिला प्रशासन साहिबगंज गंभीर दिखा है एवं प्रशासन संक्रमण के रोकथाम से संबंधित कार्यों में तत्परता से जुटी हुई है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि मरीज संक्रमण के पश्चात ठीक होकर घर लौट रहे हैं, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलम ने जिले के विभागों के अधिकारियों को बुलाकर बारी बारी से समीक्षा की तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं को धरातल पर ससमय उतारने एवं सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचाने की सुनिश्चित कर वही दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे हम 6 महीने परिवर्तन कर दिए, लेकिन आज जितना हम लोग कह रहे हैं उतना ही स्थिति कहीं कहीं पर है, कहीं अच्छा भी है। हमने कहा कि कोविड-19 के चलते जो समुचित विकास 6 महीने में होना चाहिए था वो हम लोग नहीं कर पाए। ना हम लोग यहाँ पर बेरोजगारी जो नौजवान हैं उनके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ बोले थे, उनको भी हम लोग कुछ राहत नहीं पहुँचा पाए। लेकिन हम आपसे आश्वासन देना चाहेंगे आपके माध्यम से यहाँ की जनता को कि हमारा एजेंडा में जो था या झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एजेंडा में था या कॉलिशन गवर्नमेंट ने जो वादा किया है वो गवर्नमेंट 4.5 साल का अभी समय अवधि बचा हुआ है, निश्चित तौर पर यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के लोगों को, सड़क हो चाहे पानी हो, सारी व्यवस्था पूर्ण करें, हम काम करेंगे। साहिबगंज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में छात्रों के जेईई नेट के परीक्षा लेने के विरोध में गांधी चौक पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें एनएसयूआई के छात्रों ने जमकर विरोध किया।
जिलाध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा ने भारत के शिक्षा मंत्री से मांग करते हुए कहा कि अभी देश में यातायात की कोई सुविधा नहीं है एवं कोरोना वायरस चरम सीमा पर पहुंची हुई है। छात्रों के अभिभावक बहुत मायूस हैं। इसे देखते हुए अभी तत्काल माहौल को शांत होने तक परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मौके पर प्रदेश प्रतिनिधि मुर्शाद अली सलाउद्दीन, जिला सचिव रंजीत सिंह, जिला संगठन सचिव सरफराज आलम सहित सैकड़ों कांग्रेस एवं एनएसयूआई के छात्र उपस्थित थे।